सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में केपी संत लेकर आया है मोदी नगर से, और मेरठ के बीच में कितना आरआरटीएस कॉरिडोर पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कितना है बाकी। तो चलिए आज आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, तो बने रहिए केपी संत के साथ में गाइस। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इन पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है और कहीं पर पिलर कैप लगाए जा रहे हैं पिलर के ऊपर, तो देख सकते हैं तस्वीरें। और क्योंकि हम लोग मोदी नगर थोड़ा सा निकल चुके हैं और अब आएगा मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन भी दिखाएंगे, तो आप बने रहिए और देखिए पिलर, ये पिलर का रिंग भी लगाया जा रहा है ये स्ट्रक्चर पर। देखिए पिलर स्ट्रक्चर का ये रिंग लगाया जा रहा है गाइस, तो फिर ये कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा। तो देख सकते हैं अभी पिलर इस पर गाड़े जा रहे हैं, कहीं पिलर इस पर खड़े हो चुके हैं स्ट्रक्चर पिलर का, और कहीं इस पर वर्क चल रहा है तेजी के साथ में गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए गाइस केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में मैं पर डे कंटिन्यू लाता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं ये पिलर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और इस पर रिंग भी लग चुके हैं, और इधर ये पिलर भर गया है। अब इस पर पिलर कैप का काम होना है गाइस, तो कहीं कहीं के पे ये पिलर भरे जा रहे हैं, कहीं स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, कहीं पिलर ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस पर नापातौली का काम हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से गाइस, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ। तो आप लोग इन्जॉय दिस वीडियो, इन्जॉय करो आप लोग, और मिलते हैं आपसे आगे।
पर इस जगह देख सकते हैं आप लोग, ये मोदी नगर नॉर्थ के में ये आपको लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा गाइस, जो कि गाजियाबाद की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है, ये लगाता हुआ देख सकते हैं ये लॉन्चर, ये गाजियाबाद की साइड में जा रहा है लॉन्चर, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करता हुआ गाइस देख सकते हैं तेजी के साथ में। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गाइस, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस कि इतना ये वर्क हो चुका है और इस पर साइड कैप का काम हो रहा है, और साइड कैप लगने के बाद में फिर इस पर इलेक्ट्रिक के खंभे लगाए जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई जाएगी और फिर इसके बाद में पटरी बिछाई जाएगी गाइस। तो देख सकते हैं तस्वीरें, आप लोग इंजॉय करो, मिलते हैं आपसे आगे। और गाइस आपको बता दूं, देख सकते हैं ये जा रहा है, ये जो ब्रिज है ये देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि डबल डेकर मालगाड़ी के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तेजी के साथ। इसका मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को, और देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और आपकी बार आपको के दादरी से कितना काम हो चुका है, वो दादरी का आपको ब्लॉग आएगा,
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का गाइस। तो देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी, और यहाँ पर पिलर की हाइट कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर क्रॉस कराया जा रहा है और इधर वेस्टर्न डेडिकेटेड का लाइन का जो है वो क्रॉस करवाया जा रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर इसकी हाइट, काफ़ी ऊंची हाइट है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और यहाँ पर ये आपको बता दूँ मोदी नगर नॉर्थ का ये स्टेशन बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ से आगे जाकर थोड़ा सा और आगे ये मेरठ बाईपास आ जाएगा जो कि मुजफ्फरनगर के लिए निकल जाता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से। और चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में आते रहेंगे गाइस। तो देख सकते हैं ये स्टेशन बनाया जा रहा है मोदी नगर नॉर्थ का गाइस, देख सकते हैं, और कुछ ऐसा है। और जो हमारे आने वाले भविष्य में ये बहुत सुंदर दिखने वाला है और हम लोगों की मुश्किलें बहुत कम होने वाली हैं, आसान हो जाएंगी हमारी मुश्किलें। जो भी अभी जो भी दिक्कत परेशानी है वो अभी कुछ दिनों की है, साल दो साल की, आने वाले टाइम में ये हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है गाइस, बहुत उज्जवल, बहुत सुंदर नज़ारा होने वाला है कि हम अपना NCR से मेरठ, जो मेरठ वासी हैं, जो भी हैं मेरठ वासी या आसपास के लोग रहने वाले, उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है। जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत मदद मिलने वाली है गाइस। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया जा रहा है गाइस मोदी नगर नॉर्थ का। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, और मैं पर डे ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो देख सकते हैं इतना काम हो चुका है इस पर मेट्रो का, देख सकते हैं ये स्टेशन का इतना काम हो चुका है। और आपको बता दूँ कि हमारे इंडिया की ये पहली रैपिड रेल है ट्रांजिट सिस्टम जो लाई गई है, और आपको बता दूँ ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी दिल्ली के सराय काले खां से और मेरठ के मोदीपुरम तक, देख सकते हैं तस्वीरें गाइस। ये हमारा भविष्य बनाया जा रहा है जो आने वाले टाइम में बहुत ही सुंदर चमकेगा। अभी हम कम से कम 5-6 घंटे का टाइम लगता है हमें मोदी नगर जाने में, और हमारा 1 घंटे का अब शेष बचेगा दिल्ली से मेरठ, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे गाइस, बल्कि 1 घंटा लगेगा नहीं। और देख सकते हैं ये जो अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बनाया गया है वो जा रहा है, ये देख सकते हैं, और ये मुजफ्फरनगर निकल जाएगा गाइस। और आपको बता दूं कि ये मेरठ का बाईपास है, ये बाईपास है मेरठ का, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कुछ ऐसा है, और आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये मेट्रो, क्या नाम है, रैपिड रेल स्टेशन बनाया जा रहा है गाइस, जो कि हाइट बहुत अच्छी देखने में लग रही है आप लोगों को, क्योंकि सामने से सूरज पड़ रहा है तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही ब्लॉग से देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में मैं कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये हमारा भविष्य बनाया जा रहा है जो कि मोदी सरकार के राज्य में बहुत तेज़ी के साथ में NCRTC काम कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ में गाइस। पहले तो MDRTC थी, अब ये NCRTC बहुत तेज़ी के साथ काम करवा रही है गाइस, बहुत तेज़ी के साथ में, क्योंकि जिसकी डेडलाइन है 2024 उससे पहले ही ये ख़त्म कर देंगे। देख सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ में दिन रात काम कर रही है NCRTC और उसकी टीम गाइस, और इसमें कंपनियां 4-5 कंपनियां हैं, KEC, APCO, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें, और जो यहां पर ये वर्क काम कर रही है कंपनी वो है L&T गाइस, ये L&T काम कर रही है यहां पर, इस स्टेशन को बना रही है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं यहाँ की, और देखिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा और ये रेवाड़ी में जाके ख़त्म होगा गाइस, देख सकते हैं, और रेवाड़ी से फिर दूसरा रूट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।